हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की नई नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है एसएससी यूएफएम रिपोर्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा एसएससी के साथ में बच्चों का एक तरीके से एक लड़ाई और एक संघर्ष चल रहा था यूएफएम को लेकर। अनफेयर मीन्स जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में एसएससी ने अप्लाई किया था एसएससी सीएचएसएल के 2018 एग्ज़ाम में, तो उसको लेकर एसएससी इमेजिनरी यूएफएम, जिसको बच्चों ने कहा था इमेजिनरी यूएफएम को लेकर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि एसएससी ने अनफेयर मीन्स को लेकर कई सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसी से आपकी आगे की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और बहुत लंबा संघर्ष बच्चों ने किया है। तो अभी जो उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें वो क्या कहते हैं, आपने एसएससी सीएचएसएल 2018 से रिलेटेड उन्होंने ये अपना रिजल्ट पब्लिश किया है, जो कि यूएफएम से रिलेटेड है, टीयर टू के डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड। इन्होंने कहा है 10+2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 29/9/2019 को, इस एग्ज़ाम में 45,101 कैंडिडेट्स थे। दिस एग्जामिनेशन वाज अरेंज फॉर 45,101 कैंडिडेट्स के लिए अरेंज किया गया था, आउट ऑफ विच 36,112 कैंडिडेट अपीयर्ड, यानी कि 36,000 बच्चों ने पेपर दिया था। द रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 25/2/2020 को इसका रिजल्ट आ गया था। वेयर इन बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन 30,822 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड प्रोविजनली वेयर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द टीयर थ्री स्किल टेस्ट अगेंस्ट 5,918 टेंटेटिव वैकेंसीज, यानी कि 5,918 वैकेंसीज के लिए 3,882 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे जिनका टीयर थ्री यानी कि स्किल टेस्ट होना था। अमंग द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स अराउंड 4,560 कैंडिडेट्स वर डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स के ग्राउंड्स पर 4,560 बच्चों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। अब ये जो डिसक्वालीफिकेशन था ये अनफेयर मीन्स से रिलेटेड था, लेकिन अनफेयर मीन्स कई तरीके की होती है। जैसे कि जब मैंने पेपर दिया था तब भी आपका अनफेयर मीन्स होता था, लेकिन तब ऐसा नहीं था कि अगर मान लीजिए मैं अपनी पेपर में लिख दूं कि अनुज को प्यार देना, तो उसमें अनुज का नाम नहीं समझ लिया जाता था। और अभी जो कहा गया है वो ये कहा है कि अगर आप इमेजिनरी नाम भी अगर आप कोई भी लिख दोगे तो उसके नाम पे भी आपको यूएफएम कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो 4,560 बच्चे जो कि यूएफएम की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्हें भी शामिल किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनफेयर मीन्स। सम ऑफ द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन रिक्वेस्टिंग द रिविजिटिंग ऑफ डिसीजन ऑफ कमीशन अबाउट दियर रिजेक्शन। उनके रिजेक्शन से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि उनके रिजल्ट को दोबारा से देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए थे और जिससे रिलेटेड उन्होंने एक ऑर्डर सबमिट किया था 25/1/2020 को कि कमेटी को एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाई गई और कमेटी जैसा रिकमेंडेशन देगी उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। और अभी उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, यह भी आपको पता होगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 16 जुलाई को सबमिट कर दिया था। द कमेटी हैज़ इंटर आलिया रिकमेंडेड दैट विद रिगार्ड ऑफ द कैंडिडेट ऑफ कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन टीयर टू 2018 हु हैव बीन डिसक्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी एंड वर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ यूएफएम द प्रोहिबिटरी इंस्ट्रक्शन शुड बी इग्नोर्ड एज अ वन टाइम मेजर, यानी कि एक बार के लिए इसको इग्नोर किया जाना चाहिए। उस कमेटी ने ऐसा सजेशंस दिया था कि उसको एक बार का एटलीस्ट ने मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो रूल्स चेंज किए गए थे वो लास्ट मिनट में रूल्स चेंज किए गए थे, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं था कि क्या हम उसमें इमेजिनरी नाम भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अब जो पेपर बच्चे देंगे, जैसे 2020 के जो सीएचएसएल देंगे बच्चे टीयर थ्री देंगे, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी इमेजिनरी नाम भी कोई नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है। तो यूएफएम का जो ये मेजर था ये आपका इन्होंने एज अ वन टाइम मेजर उन्होंने उनको शामिल करने की सलाह दी थी कमेटी ने, और उसके आधार पे उन्होंने शामिल कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द कमीशन हैज डिसाइडेड टू गिव वन टाइम एग्जेम्पशन टू ऑल 4,560 कैंडिडेट्स, एक बार का फर्स्ट वन टाइम एग्जेम्पशन इन्हें मिल रहा है, हु आर डिस्क्वालीफाइड, जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली, और इसके आधार पर बहुत ही जल्द इनका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका रिपोर्ट थी, ये जल्दी से अभी आपकी नोटिफिकेशन आई थी एसएससी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएफएम के जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे उन्हें शामिल कर लिया जाएगा दोबारा से, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करके मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली 6-7 फ्री मेरी क्लास चलती है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट चलता है। इसके अलावा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, बट अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं AMANT तो आपको ये कॉस्ट जो है सिर्फ 5,400 पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर आप सभी से पढ़ सकेंगे, अलग अलग कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, जिसमें आप अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन।
सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे एट. बाकी आगे कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे एट.